भी लेशनर कर सकते हैं रोमन रेंस की हेल्प, रेसलमेनिया में बोल सकते हैं लेशनर के ऊपर धावा। कोडी क्या वाकई में सेथ रॉलिंस को करेंगे नेक्स्ट वीक फेस? साथ ही साथ पेज ने रिटर्न पर कर दी है हां, और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आज दोस्तों बुधवार है और आज के दिन दोस्तों हम बिग अपडेट वीडियो कवर करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम WWE से जुड़े सारे के सारे अपडेट्स एक साथ कवर करते हैं, जिसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहती है। तो गाइस बात की जाए आज की सबसे बड़ी अपडेट्स की, तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ से जुड़ी अपडेट्स की, और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम जाएंगे आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जहां हम बॉबी लैशली के ऊपर जो अपडेट आई है उसे कवर करेंगे। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मंडे नाइट रॉ इस बार की काफी अच्छी गई थी, सब लोगों ने दोस्तों वहां जो सबसे पहली चीज देखी वो था केविन ओन्स का स्टोन कोल्ड बनकर आना। इस पर दोस्तों फैंस काफी ज्यादा खफा हो चुके हैं WWE वालों से, साथ साथ केविन ओन्स से। बहुत से फैंस का मानना यह है कि केविन ओन्स को लेटा लेटा कर मारना चाहिए, केविन ओन्स ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को डिसरिस्पेक्ट किया है। आप उनके ट्वीट भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों केविन ओन्स का जो हील वर्क था ये सक्सेसफुल साबित हुआ है, लोगों को गुस्सा दिलाना था उन्होंने गुस्सा दिलाया। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो केविन ओवंस की करामात दोस्तों वाकई में रेटिंग्स लाई है इस हफ्ते। दोस्तों ना ही रोमन रेंस थे ना ही ब्रॉक लेसनर थे मंडे नाइट रॉ पर, फिर भी दोस्तों रेटिंग में सुधार आया। जहां लास्ट वीक दोस्तों जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.70 मिलियन, इस हफ्ते बढ़कर हो चुकी है 1.77 मिलियन। 4% की दोस्तों यहां हम कह सकते हैं इजाफा आया है। और गाइस बात की जो रॉ की, रॉ इस बारी की मेरे हिसाब से काफी बढ़िया भी थी। हालांकि मैचेस अच्छे नहीं थे पर इसके सेगमेंट गोल्ड थे। बात कर लेते हैं अब रॉ से जुड़ी एक मेजर अपडेट की, और एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि भारतीय है। तो रॉ के अंदर दोस्तों एक भारतीय सुपरस्टार ऐसा भी है जो कि हर हफ्ते टीज किया जाता है लेकिन कभी भी अपना डेब्यू नहीं करता। तो वीर महान ने दोस्तों आज कमेंट कर दिया, अपने रिटर्न की डेट भी बता दी है। तो इससे पहले दोस्तों खबर ब्रोक हुई थी कि वीर महान 4 अप्रैल को आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों सब लोग जानते हैं कि कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आफ्टर जो रेसलमेनिया रॉ रहती है वहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपना रिटर्न एंड डेब्यू करते हैं, तो ऐसे में वीर महान का स्टैंप लगाना जरूरी था। वीर महान ने अभी स्टैंप लगा दी, अभी से कुछ घंटे पहले उन्होंने ये चीज लिखी है कि मैं अपने फैंस का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस समय में वो मेरे साथ खड़े हुए थे, और हाँ तुमने सुन लिया है और ये सच हो रहा है, मैं अपने सामने जो भी व्यक्ति आएगा उसे क्लियर कर दूंगा और मैं आ रहा हूं। तो 4 अप्रैल दोस्तों आप डेट लिख सकते हैं अपनी डायरी में भी, जहां हमें फाइनली वीर महान का डेब्यू देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। तो इससे अगली डेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी डीवा पेज से। तो फॉर्मर डिवास चैंपियन पेज, जो कि दोस्तों 2018 में रिटायर हो गई थी रेसलिंग से, आपको याद होगा 2018 में उन्हें रॉ में आकर ये चीज कह दी थी कि अब वो कभी भी रेसल नहीं करेगी, फाइनली अपना रिटर्न करने जा रही है। तो पेज ने दोस्तों ट्विटर पकड़कर कंफर्म कर दिया है कि अब उनका मूड बदल चुका है और अब आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन वो रेसल करने जा रही है। उन्हें दोस्तों इंजुरी आ रही थी जिसके चलते डॉक्टर्स ने मना किया था, लेकिन कल दोस्तों उन्होंने लिख दिया आई वांट टू फाइट अगेन, आई वांट टू रेसल अगेन। आप देख सकते हैं उनका ट्वीट। अब पेज दोस्तों WWE में कब लौटेगी इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। पेज को हर कोई देखना भी चाहेगा क्योंकि करंट रोस्टर में कोई ऐसी महिला है ही नहीं जो कि हमें वो रिफ्रेशमेंट दे सके जो कि पेज दिया करती थी। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों AJ Styles वर्सेस एज से। तो गाइज इस पर अपडेट आ चुकी है, बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि ये मैच कब होगा क्योंकि WWE वालों ने इस मैच के लिए डेट असाइंड नहीं की थी। तो रेसलमेनिया 2 नाइट्स की है और इन 2 नाइट्स में इसे कब रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा ये सवाल था, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है ये दोस्तों संडे यानी कि अप्रैल 3 को हम लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर कह लीजिए दोस्तों ये रेसलमेनिया का सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग होगा नाइट 2 का 3 अप्रैल। दोस्तों अब आप जान चुके एज एंड एजी की फाइट कब होगी। चलते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। इससे अगली अपडेट जो आज की बार जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लोगन पॉल से।
तो आज लोगन पॉल ने एक बड़ी अपडेट दे दी है अपनी रेसलमेनिया से जुड़ी हुई। उन्होंने दोस्तों अपनी ड्रेस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर दी है कि वो क्या पहनने वाले हैं रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया में सुपरस्टार्स दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर भी आते हैं। और गाइज वैसे लोगन पॉल का डेब्यू होने जा रहा है और उन्होंने दोस्तों अपना जो स्केच है ड्रेस का वो शेयर किया स्टोरीज के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर। आप देख सकते हैं कुछ कुछ सेथ रॉलिंस की जैसी उनकी ड्रेस बन रही है। अब इसमें दोस्तों वो आने वाले हैं तो काफी कूल लगेंगे मेरे हिसाब से। चलते हैं इसे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की बात जुड़ी है वो जुड़ी है रेसलमेनिया से। तो अब रेसलमेनिया की बात लग चुकी है तो ढंग से ही बात कर लेते हैं। रेसलमेनिया के अंदर दोस्तों अब हमें एक डीजे भी सुनने को मिलेगा। एक डीजे डब्ल्यू वालों ने रख दिया या फिर कह लीजिए बुक कर दिया है, वैलेंटिनो दोस्तों इसका नाम बताया जा रहा है। वैलेंटिनो खान दोस्तों एक डीजे कम प्रोड्यूसर ज्यादा है जिन्हें दोस्तों आरडब्ल्यू वालों ने बुक कर लिया है रेसलमेनिया के लिए। और किसने बुक किया है, बुक्स ने किया है दोस्तों। इन्हें बुक किस तरीके से कॉल की, उन्होंने फेस कैम किया और ये चीज़ कही कि मित्र तुझे आना पड़ेगा। इससे पहले हमने पास्ट में देखी इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन ये पहली बार हमें लाइव देखने को मिलेंगे वो भी रेसलमेनिया के स्टेज के ऊपर। तो दोस्तों म्यूजिक तो तगड़ा जाएगा ही जाएगा, रेसलमेनिया भी तगड़ी जाएगी क्योंकि दोस्तों वहाँ हमें काफ़ी बड़े शॉक्स देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते आज के अपने सेकंड लास्ट न्यूज़ की। तो सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वह जुड़ी दोस्तों रोंडा राउजी सेथ रॉलिंस से। तो गाइस रोंडा राउजी ने सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स पर कमेंट किया है, साथ साथ ये चीज भी बताई कि उन्हें एक माइनर इंजरी आ रखी है। हाल ही में दोस्तों रोंडा स्ट्रीम पर ये चीज बोल गई है कि उन्हें हल्की सी इंजरी आई है। दरअसल आपने देखा होगा लास्ट वीक स्मैकडाउन में उनके होंठ से खून निकल रहा था। दरअसल दोस्तों एक मांसपेशी होती है, अगर आप भी देखेंगे तो आपके जबड़े को जो होंठ के साथ जोड़ती है यहाँ वो मांसपेशी होती है, वो दोस्तों उनकी टेयर अप हो चुकी है। और गाइस रोंडा ने ये चीज़ बताई है कि इसके चलते उन्हें बुखार भी आ रखा है, लेकिन स्टिल वो फाइट दे रही है। तो गाइस ये माइनर इंजरी आ रखी है, तो ऐसे में रोंडा राउजी जो है वो ये चीज़ बता रही है कि उन्हें बुखार आ चुका है। होप करते हैं उनकी हालत में सुधार आए। लेकिन रोंडा ने इससे भी बड़ी अपडेट दी हमारे सेथ एंड कोडी के ऊपर। तो दोस्तों सेथ रॉलिंस इस बार की रॉ में बोल गए हैं कि अगली रॉ वो नहीं होने देंगे, तबाही मचा देंगे, कुछ भी नहीं होगा, आग ही आग होगी। सेथ रॉलिंस को दोस्तों अगले हफ्ते हो सकता है कि कोडी रोड्स आकर कन्फ्रंट कर दे, क्योंकि गाइस कोडी रोड्स 100% कन्फर्म्ड है रेसलमेनिया के लिए। जब ये सवाल पूछा गया रोंडा से ट्विच स्ट्रीम के दौरान, वो ये चीज़ बोली कि मैं जानती हूँ, मैंने सुना है कि कोडी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो वाकई में आ रहा है कि नहीं। देखो कोडी वर्सेस सेथ होता है तो काफी बढ़िया रहेगा। कोडी को मैंने कभी भी रेसल करते हुए नहीं देखा है, हालांकि मैं इसके लिए प्रीटी मच एक्साइटेड हूं। गाइस कोडी वर्सेस सेथ के ऊपर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी चर्चा होनी चालू हो चुकी है। एंड दोस्तों ये मैच अगर होता है तो गाइस मजा ही आ जाएगा, और गाइस होना भी है। चलते हैं आज के अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की जीत से, जो कि आ सकती है विया हेल्प ऑफ बॉबी लैशली। तो डिस्ट्रॉयर बॉबी लैशली दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर से गायब। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो जा रखे थे अपनी इंजरी को ठीक करने के लिए, और बताया गया था कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन रेसलमेनिया सीजन है, जिस सीजन में सुपरस्टार्स एक की जगह 2 हफ्ते में अपना रिटर्न कर देते हैं, और रेसलमेनिया को भी लगभग 2 हफ्ते बाकी है। बॉबी लैशली दोस्तों बताए जा रहे हैं कि रेसलमेनिया का पार्ट हो सकते हैं, एज पर रिपोर्ट्स, एज पर फाइटफुल यहां दोस्तों बताया जा रहा है। बॉबी लैशली को डब्ल्यूडब्ल्यूई रख रही है इस वक्त अपने दिमाग में रख के, और दोस्तों वहां उनके लिए एक स्टोरी लाइन भी सजेस्ट की जा रही है। दरअसल दोस्तों दो चीजें हो सकती है बॉबी लैशली से जुड़ी हुई जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, वो ओमस के ओपोनेंट हो सकते हैं। ओमस ने दोस्तों एक ओपन चैलेंज रखा है रेसलमेनिया के लिए, कोई नहीं जानता कि इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो भी करेगा दोस्तों उसे चाहिए कि वो ओमोस को उठाने के काबिल हो, ओमोस को लिटाने के काबिल हो। ऐसे में दोस्तों बॉबी लैशली वो व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो गेबल स्टीवसन है वो भी अपना डेब्यू करने वाले रेसलमेनिया में, तो मेरे हिसाब से अगर डब्ल्यूई एक मेगा पुश उन्हें देने वाली है तो वो व्यक्ति हो सकते हैं। रही बात लैशली की, हो सकता है दोस्तों कि ब्रॉक लेस्नर को टाइटल कॉस्ट कराए, एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि अभी उनका दोस्तों जो थिंग था या फिर कह लीजिए जो मामला था लेस्नर के साथ सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। एलिमिनेशन चेंबर में भी हम लोगों ने देखा कि वहां उन्हें इंजरी आई, ना कि लेस्नर ने उन्हें पिन किया। तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, और गाइज हो सकता है गाइज कि वो ब्रॉक लेस्नर को वहां टाइटल लॉस करवा दे। रोमन रेंस बताए जा रहे हैं कि रेसलमेनिया में जीतने के प्रबल दावेदार हैं,
और जैसी हालत है रोमन की, रोमन भाग भाग के सर्वाइव कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ, वहां उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और गाइज हो सकता है ये जो ये बड़ी चीज है ये बॉबी लैशली हो, क्योंकि बॉबी लैशली जो है वो लेसनर से पहले भी भिड़ चुके हैं, पहले भी हरा चुके हैं, और पहले दोस्तों आपको याद होगा रोमन रेंस ने उनकी मदद की थी। यहां दोस्तों पॉसिबिलिटी काफी हाई हो चुकी है कि बॉबी लैशली इस मैच में इंटरफेरेंस करे। वीडियो दोस्तों आज की इतनी थी, और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो और दोस्तों इसमें आपको कुछ बल लगा हो तो इसे आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।